नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करके तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। सबसे पहले, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी आपने ला रखे हैं तो आप उनका पंचोपचार विधि से स्नान अभिषेक करा के उनका पूजन करें। और जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, वो बिल्कुल सरल तरीके से श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा इस तरह से करके आप अपने जन्माष्टमी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल, पीले रंग का भोग और पीले रंग के कपड़े, इन सभी चीज़ों का विशेष महत्व है। आज की पूजा जब भी आप करें तो इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। कलश स्थापना के लिए आप एक लोटा लेकर उसमें गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी और एक रुपये का सिक्का, ये तीनों चीज़ें डालकर आप कलश स्थापित कर लें। मैंने ये सभी चीज़ें पहले से ही डालकर रख ली हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके ऊपर आम या अशोक के पंच पल्लव स्थापित किए हैं और कलश की गर्दन में रक्षा सूत्र मोली लपेट लिया है। पुष्प, आम के पत्ते या फिर दुर्वा की मदद से आप सभी देवी देवताओं को गंगा जल और जल के छींटे देकर उनको अच्छे से पवित्र कर लेंगे और अपने ऊपर भी गंगा जल और शुद्ध जल के छींटे देकर आप भी पवित्र हो जाएं। उसके बाद सभी देवी देवताओं को, गणेश जी भगवान को, दीपक को, कलश को, जो भी मूर्ति स्थापित आपने की हुई है, उन सभी को हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन, जो भी आपके पास है, उन सभी से एक एक करके तिलक करें और उसके बाद उनको अक्षत आप अवश्य ही अर्पित करें। आपके घर में श्री कृष्ण भगवान की जो भी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि वंशी, मोर मुकुट, मोरपंख, शंख, घंटी, ये सभी चीज़ें आप अपनी पूजा में अवश्य ही शामिल करें। आज की पूजा आप चाहें तो सुबह के समय, आप चाहें तो शाम के समय, या फिर निशिता काल में, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा। आप जब भी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डालें। तुलसी दल आप पहले से ही तोड़कर रख लें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम श्री कृष्ण भगवान की भी एक साथ पूजा करते हुए चलेंगे। श्री कृष्ण भगवान को भी जनेऊ अर्पित करना है। गुड़हल का फूल भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है। आप गणेश जी को गुड़हल के फूल अवश्य ही अर्पित करें। गणपति बप्पा को गुड़हल का फूल सबसे प्रिय है। आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के लिए पीले फूल, लाल फूल आप अवश्य ही उन्हें चढ़ाएं। पीले फूल मेरे को कम मिले हैं, अगर आपको मिल जाएं तो आप इस पूजा में पीले फूल ही रखें। लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीले फूल, जो भी आपको मिल जाए श्रद्धा भाव से, वो आप इस पूजा में अवश्य ही चढ़ा दें। उसके बाद हम श्री कृष्ण भगवान को जनेऊ के बाद वस्त्र रूप में रक्षा सूत्र मोली, जिसे बोलते हैं, वो भी आप अवश्य ही अर्पित कर दें। जो भी फल मिष्ठान आपने लाके रखा हुआ है, एक एक करके वो गणेश जी को और श्री कृष्ण भगवान को फल फूल भी हम एक एक करके अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो आरती के लिए थाली अलग से तैयार कर सकते हैं या फिर दीपक में कपूर रखकर भी आप आरती कर सकते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। आज की पूजा में बेल पर जो सब्जियां लगी हुई होती हैं, जो फल लगे हुए होते हैं, उनका इस पूजा में विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको पेठा, लौकी, तोरई, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, इनमें से जो भी सब्जी या फल मिल जाए वो आप अवश्य रखें। और ऐसा फल आपको लेना है जिसके डंठल लगा हुआ हो थोड़ा सा, और उसको एक सिक्के की सहायता से, सिक्का आप चांदी का ले लें या फिर एक दो रुपए का जो भी सिक्का हो, उससे इस प्रकार से काट कर रखते हैं। ऐसा करने से, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, खीरे या ककड़ी को काटना, इस तरह से बच्चे को गर्भजून से अलग करना, सारी पूजा हो जाने के बाद आम के पत्ते से या फिर फूल से या दुर्वा से शीतलीकरण आप अवश्य करें। जो भी पूजा अर्चना में आपके कोई त्रुटि हुई हो तो उनके लिए क्षमा प्रार्थना भी आप अवश्य कर लें। इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करें। इस पूजा को आप मध्य रात्रि में करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। वैसे इस पूजा को सुबह, शाम कभी भी कर सकते हैं। मध्य रात्रि की पूजा करने के बाद आप चाहें तो अपने व्रत को खोल सकते हैं। धनिये की पंजीरी, पंचामृत, तुलसी दल और गंगा जल, इनमें से कोई भी एक चीज़ ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपने व्रत का पारण
अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर करते हैं। आपके घर परिवार में जैसा रीति रिवाज हो आप वैसा ही करें। बोलिए राधे राधे।